सुबह 10 बजे का काम कंप्लीट करते करते शाम के 8 बज गए। ना तो काम ही कंप्लीट हुआ है, ना ही कुछ और हो पाया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास करने के लिए बहुत सारा काम है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए टाइम ही कम पड़ जाता है? क्या आप काम से ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण आप काम में एक भी दिन मिस नहीं कर सकते? क्या आप बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस करते हैं और एक लंबा ब्रेक लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट समरी को चूज किया है। इस समरी ने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है और आज हम इतने ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं कि हर कोई कम से कम टाइम पर अपना काम पूरा करने के रास्ते खोजने में लगा हुआ है। इस समरी में ऐसा मेथड बताया गया है जो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत रखता है। इस समरी में आप ये जानेंगे कि ध्यान भटकने से बचने के लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड होना कितना ज्यादा जरूरी है। आपको समझ में आने लगेगा कि टाइम की कमी का असली रीजन आपके मन में चलने वाले वो बहुत सारे थॉट्स हैं जो आपका ध्यान भटका देते हैं, जिससे आपका टाइम पर काम पूरा नहीं हो पाता। तो इन सब का कारण फोकस है, और अपने काम पर फोकस करने में हेल्प करने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट यानी कि माहौल को बदलने की जरूरत है। इन चीजों के साथ साथ आप ये भी सीखेंगे कि अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए सही टाइम, जगह और टूल्स को कैसे चुने। इसकी शुरुआत आपको अपने आसपास के फिजिकल माहौल से करनी होगी, और उसके बाद हम अपने मेंटल स्टेट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिल्कुल बिना देर किए हम भी शुरू करते हैं आज की इस ऑडियो बुक समरी। तो जानते हैं इस समरी के बारे में, समरी ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, जिसे लिखा है डेविड एलन ने। तो इस समरी की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन हमेशा उन आइडियाज के बारे में सोचता रहता है जिन्हें आप आजमाना चाहते हैं। जब आपके पास जिंदगी में हर आइडिया और काम के लिए एक फाइलिंग सिस्टम होगा तो आपका मन शांत रहेगा और फोकस करने के लिए भी तैयार होगा। तो ये समरी आपको अपने काम और प्रोजेक्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने का तरीका भी सिखाएगी, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। इसलिए अगर आप जिम्मेदारियों से भरी एक स्ट्रेसफुल लाइफ से थक चुके हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़कर एक ऐसे सफर पर चलिए जो आपको सिखाएगी कि अपनी जिंदगी का चार्ज अपने हाथों में कैसे लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस जर्नी को, और सबसे पहले बात करते हैं अ न्यू प्रैक्टिस फॉर अ न्यू रियलिटी, यानी कि क्या आपको लगता है कि काम की एक लंबी लिस्ट को कंट्रोल में रखते हुए भी दिन के लास्ट तक कोई आदमी रिलैक्स्ड फील कर सकता है? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और ये समरी आपको दिखाएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं कि आखिर कैसे। तो आज हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो हमें अपना काम भी करने दे और रिलैक्स्ड भी बनाए रखे। आज की इस भागती दौड़ती हुई जिंदगी में जॉब शब्द को ठीक से समझा पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आए दिन हमारी जॉब बदलती रहती है और हर रोज हम पर नई जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही है। पुराने टाइम में एक एम्प्लॉई को उसके गोल और जिम्मेदारियों के बारे में ठीक से बता दिया जाता था, लेकिन आज हमें खुद सोचना समझना पड़ता है कि दिन के खत्म होते होते हमें काम कैसे पूरा करना है, और इस वजह से हर आदमी पर प्रेशर धीरे धीरे करके बढ़ने लगा है। इस बदलाव के लिए, इस चेंज के लिए पहले आपको अपनी कुछ आदतों को बदलना होगा। सबसे पहले आपको इस बारे में क्लियर होना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे क्लियर तरीके से लिखिए और उसे शुरू करने के लिए एक डेट सेट करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मन बेचैन रहेगा, भटकता रहेगा। आप हर टाइम अपने उस काम के बारे में सोचते रहेंगे और जो काम आप अभी कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर 100% फोकस करने की कोशिश करें। अपने काम को तेजी से पूरा करने के लिए आपका फोकस लेजर की तरह शार्प होना चाहिए। जब आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर होती है और आप एक ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां पर आपका ध्यान नहीं भटकता, तो आप कंट्रोल में रहेंगे और स्ट्रेस महसूस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पिछले कुछ मिनटों में इस ऑडियो को सुनते हुए क्या आपका ध्यान भटका? अगर हाँ, तो यकीनन कोई ऐसा काम बाकी है जिसे आप करना चाहते हैं, लेकिन उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए। जब आप कोई काम करने का फैसला करते हैं तो आपका ब्रेन आपको तब तक उस काम की याद दिलाता रहता है जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते। तो जरा सोचिए कि अगर 10 काम अधूरे पड़े हैं तो वो आपको कितना ज्यादा स्ट्रेस देता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये टेंशन आपको किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देगा। इसका एक ही उपाय है, आपके दिमाग में आने वाली हर थॉट को लेकर के एक लिस्ट बनाना शुरू कीजिए।
अपने काम या टास्क के बारे में लिखे और उसके नीचे उसकी डिटेल लिखे। आपको इस टास्क के लिए एक क्लियर डेडलाइन भी सेट करनी होगी ताकि आपका ब्रेन उसके बारे में चिंता करना बंद कर सके। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और उसके लिए कोई डेडलाइन सेट नहीं करते तो आपका ब्रेन यही सोचता रहेगा कि अभी तो वो काम अधूरा है। इसीलिए जब आप किसी दूसरे काम में बिजी होते हैं तो आपका ब्रेन आपके ध्यान को, आपके फोकस को उस काम की ओर खींचने लगता है जो उसे लगता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक लिस्ट बनाने से आपका ब्रेन शांत हो जाएगा, उसे एक मैसेज मिल जाता है कि उस काम को करने के लिए आपने एक डेट फिक्स कर दी है, तो वो निश्चिंत होकर के दूसरे काम पर फोकस करने लगता है। हर हफ्ते के लास्ट में इस लिस्ट को चेक करें और अगर उसमें कुछ बदलने की जरूरत है तो बदल कर उसे अपडेट करें। काम करने वाली इस लिस्ट को टू डू लिस्ट कहा जाता है। जब तक आप अपने काम की एक क्लियर लिस्ट नहीं बनाते तब तक आपको किसी भी काम पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल लगेगा। याद रखिए कि स्ट्रेस के बिना कम टाइम में तेजी से काम पूरा करने का एक ही सीक्रेट है, अपना पूरा फोकस काम पर बनाए रखना। तो फोकस के लिए आपको कौन सा एक्शन लेना है ये तो आपने जान ही लिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गेटिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएटिवली अंडर वे, द फाइव फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। यानी कि कभी कभी जब हम अपने टू डू लिस्ट को अपडेट नहीं करते तो कई ऐसे आइडियाज मिस कर देते हैं जो हमें बड़ी सक्सेस दिला सकते थे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें आगे का प्लान बनाने की जरूरत है। प्लानिंग भी कई तरह की होती है जहाँ पर आप हर टास्क के गोल और उस गोल को हासिल करने के लिए जरूरी स्टेप और एक्शन को क्लियर तरीके से सेट करते हैं। वहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल प्लानिंग को यूज कर सकते हैं और आमतौर पर इस तरह की प्लानिंग के लिए आपको ऐसे रिमाइंडर सेट करने होंगे जिन्हें आप आसानी से देख सके ताकि आप उस टास्क को भूल न जाए और उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सके। दूसरी तरह की प्लानिंग है वर्टिकल प्लानिंग। इसमें डिटेल पर फोकस करने की और हर स्टेप को पूरा करने के लिए सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए आपको किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर को यूज करना होगा, आप इसे पेपर पर लिखकर के भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। हालांकि प्लानिंग का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है नेचुरल प्लानिंग। आपका ब्रेन इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लानर है। आपका ब्रेन ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है जिसकी बराबरी दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर या नोटबुक नहीं कर सकता। नेचुरल प्लानिंग में 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना होगा। दूसरा, आपको ठीक से पता होना चाहिए कि लास्ट में उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। और तीसरा, आपको बहुत दिमाग और क्रिएटिविटी लगाकर अलग अलग आइडिया के बारे में सोचना होगा। चौथा, आपको अपने आइडिया को ऑर्गेनाइज करना होगा। और लास्ट में आपको ये पहचानना होगा कि अगला एक्शन क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आइए आपका डिनर प्लान करते हैं। जब आप रोजमर्रा के काम की प्लानिंग करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली नेचुरल प्लानिंग यूज करते हैं। पहले आप ये देखते हैं कि इस डिनर का मकसद क्या है, यानी क्या आप दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने जा रहे हैं या ये कोई स्पेशल डेट या बिजनेस डिनर है। पर्पस के हिसाब से आपका ब्रेन उस डिनर के लिए हदें सेट करना शुरू कर देता है, जैसे कितने पैसे खर्च करने हैं, कौन सा खाना सर्व होना चाहिए, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, वगैरह वगैरह। दूसरा, जब आपका पर्पस क्लियर हो जाता है तो आप उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे कौन सा कैफे या फूड जॉइंट में आपको जाना चाहिए, खाना किस तरह का होना चाहिए। आपके माइंड में उस जगह की इमेज बनने लगती है जहाँ पर आप जाने वाले हैं। आप खुद को खिड़की के पास बैठा हुआ देखते हैं, यहाँ तक कि आप खाने की खुशबू और उसके टेस्ट के बारे में भी सोचने लगते हैं। तीसरे स्टेप की बात करें तो आपके ब्रेन में अपने आप कई तरह के थॉट्स आने लगते हैं। आप उस टाइम के बारे में सोचने लगते हैं जब आपको वहाँ पर पहुँचना चाहिए। आपके मन में कई सारे सवाल भी आते हैं, जैसे क्या वो जगह खुली होगी, मुझे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, क्या मुझे टाइम पर कैब तो मिल जाएगी ना। तो इस तरीके से इस स्टेप के पूरा होने के बाद आप सब कुछ ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि ठीक 8 बजे आपको घर से निकलना है। अपने सिलेक्ट किए हुए रेस्टोरेंट में समय से पहुंचकर अपनी बुक की हुई टेबल पर बैठना है। फिर आप सोचते हैं कि आप अपनी फेवरेट ब्लैक ड्रेस पहने रेस्टोरेंट की टेबल पर बैठे होंगे, यानी कि आपके माइंड में उस डिनर से रिलेटेड एक पूरी अच्छी खासी फिल्म चलने लगती है। अब सारी प्लानिंग खत्म करके आप पहला एक्शन लेते हैं, जो है अपने दोस्त को फोन करना और फिर रेस्टोरेंट को कॉल करके अपनी सीट बुक करना। क्या आपने कभी सोचा था कि आपका ब्रेन पूरे दिन इस तरह की प्लानिंग में लगा रहता है? तो क्यों ना आप अपने काम को पूरा करने के लिए इस तरह की नेचुरल प्लानिंग को यूज करें। ये किसी भी फ्लो चार्ट या सॉफ्टवेयर को यूज करने से कम स्ट्रेसफुल होता है। तो अब आगे बात करते हैं
गेटिंग स्टार्टेड, सेटिंग अप द टाइम, स्पेस एंड टूल्स। यानी कि कभी कभी जिंदगी में कुछ सिंपल ट्रिक्स अपना लेने से लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है। ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाने के लिए कोई ना कोई तरकीब अपनाई है। अपने माइंड को क्लियर करके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपको अपनी लाइफ पर कंट्रोल रखना होगा, और इसके लिए आपको सही समय, जगह और टूल्स की जरूरत होगी। टाइम से हमारा मतलब है कि आपको कम से कम 2 दिन अलग रखने होंगे। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप वीकेंड या छुट्टी का दिन भी चूज कर सकते हैं, और ये प्रोसेस सुनने में आपको लंबा लग सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। जगह का मतलब है कि आपके पास आपकी एक पर्सनल डेस्क होनी चाहिए, जहाँ पर आप अपने काम को लिख कर उसे ऑर्गेनाइज कर सके। यहाँ तक कि अगर आपके ऑफिस में आपका कैबिन है, तब भी घर पर आपको अपना डेस्क सेट करना होगा। टूल्स का मतलब यहाँ पर है वो सामान जिनका यूज आप अपने आइडिया और विचारों को प्रोसेस करने में और उन्हें सही फोल्डर में ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर, पेपर ट्रे, स्टेपलर, कैलेंडर, पेंसिल, ये सब टूल्स है जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। इनमें से कौन कौन सा टूल आपको रखना है वो आपकी मर्जी है, आपको डिसाइड करना है। आप अपनी पसंद से अपना डेस्क सजा सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि हम एक ऐसी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने मन को हर तरह के भटकाव से खाली रख सके। इसीलिए अपने गोल तक पहुँचने के लिए सही समय और सही जगह का होना बहुत जरूरी है। आइए इन टूल्स के बारे में समझते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के लिए एक कैलेंडर का तैयार होना बहुत जरूरी होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कैलेंडर लेना चाहिए, सिर्फ आपको उसे ठीक से यूज करना आना चाहिए। अपने कैलेंडर का इस्तेमाल उन अधूरे टास्क के बारे में लिखने के लिए ना करें जिन्हें आप कभी दोबारा चेक नहीं करने वाले हैं। इससे आपको सिर्फ यही लगेगा कि ये सिस्टम काम नहीं करता, और ये भी हो सकता है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करना ही बंद कर दे। कैलेंडर का काम होता है किसी खास काम के बारे में याद दिलाना। कोई ऐसा काम जिसे किसी खास तारीख को करना बहुत जरूरी है, जैसे कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट या कोई सेमिनार अटेंड करना, कोई वेबिनार अटेंड करना। हो सकता है कि आप खुद को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए किसी सॉफ्टवेयर या फाइल की हार्ड कॉपी रखना पसंद करते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि कोई भी टूल अकेला काम नहीं कर सकता। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम बनाने के लिए जो सच में काम करता हो, आपको कई टूल्स को मिलाकर के अलग अलग ट्रिक्स को यूज करना होगा। तो इस मेथड को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कलेक्शन, कराइंग योर स्टफ। यानी कि अब आपके पास अपना डेस्क है जिस पर वो सभी टूल्स मौजूद हैं जिनकी आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में जरूरत पड़ सकती है। अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वो सारा सामान इकट्ठा करना होगा जिसे ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। आपको कितनी चीजों को छांटना है उसके हिसाब से इस प्रोसेस में 2 से 6 घंटे लग सकते हैं। आपको अपने घर के हर रूम और ड्रॉअर में चेक करना होगा, और पहले आपको फिजिकली सारा सामान इकट्ठा करना है। कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई परमानेंट जगह नहीं है और वो इधर उधर बिखरी हुई है, उसे आपको ठीक से देखना और प्रोसेस करना होगा। इसीलिए इसे अपने इन बास्केट में डालें। दूसरा, आपको मेंटली सारी चीजें इकट्ठी करनी है। आपको पेपर पर अपने सारे आइडियाज और थॉट्स लिखने होंगे। अपने हर आइडिया को लिख करके इन बास्केट में रखना सबसे अच्छा तरीका होता है। आपको ऐसे कई आइडिया और प्रोजेक्ट मिलेंगे जिन्हें आप करना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें करने का कभी टाइम ही नहीं मिला। तो हम सभी अक्सर अपने ड्रॉअर में कई चीजें छोड़ देते हैं और फिर उन्हें कभी उठाते ही नहीं। अक्सर ड्रॉअर में फाइल, बिजनेस कार्ड, पेन वगैरह होते हैं। इसीलिए आपको हर आइटम को ठीक से चेक करना होगा। हर बिजनेस कार्ड और नोट को चेक करें। जब आपको लगे कि कोई चीज काम की है तो उसे इन बास्केट में रख दे। वैसे मेंटली चीजों को इकट्ठा करना कोई पर्सनल या प्रोफेशनल आइडिया हो सकता है। हो सकता है कि आपको अपना गैराज साफ करना हो, किसी को फोन करना हो, या अपने ईमेल में बेकार की चीजें डिलीट करनी हो। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद सामान का एक बड़ा ढेर लगा होगा। जब आप सारा सामान देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि आपको क्या करना है, और सब ऑर्गेनाइज करने के बाद सब कुछ कैसा होगा। अब आप खुद सोचिए कि अपने सभी अधूरे काम को मैनेज करने के बाद आप जो काम कर रहे हैं उस पर कितने अच्छे से फोकस कर पाएंगे। एक बार जब आप उन चीजों को इकट्ठा कर लेंगे जो आपका ध्यान भटका रहे थे, तो आपको एक अलग सी पावर का एहसास होगा। तब आपको फील होगा कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, आप लाइफ के वश में नहीं है। इसीलिए अगर सामान इकट्ठा करने के प्रोसेस में
कुछ ज्यादा टाइम लग भी जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम पूरा होने के बाद आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। वैसे इस जर्नी में अभी कुछ और भी है आपके लिए खास, प्रोसेसिंग, गेटिंग इन टू एम्प्टी, यानी पिछले चैप्टर में आपने सीखा कि कैसे अपने सभी अधूरे कामों को कैसे इकट्ठा किया जाए जो आपका ध्यान भटकाते हैं, आपके फोकस को डाइवर्ट करते हैं। सामान इकट्ठा करते टाइम आपको उन चीजों को हटा देना चाहिए जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अब उस काम को करने का टाइम है जिसे करने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अगर आपके सामने कोई ऐसा काम आता है जिसे आप नहीं कर सकते, या किसी ऐसे शख्स से करवाना चाहते हैं जो आपसे बेहतर उसे कर सके, तो वो काम आप उन्हें सौंप दीजिए। इसे करने के बाद अब आपके पास वो काम बचेंगे जिन्हें करने में आपको 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा। ऐसे काम को आप सिंपल टास्क और बड़े प्रोजेक्ट जैसी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आमतौर पर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होती है। जब आप अपने काम को डिवाइड कर रहे हो तो आपको उस काम को सबसे पहले करना चाहिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप बाकी के काम कर सकते हैं। और याद रखिए कि आपको एक टाइम में एक ही काम को पूरा करना है और किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना है। अगर आप कल पर अपने काम को टालेंगे तो आपके दिमाग में फिर से वही सारी चीजें चलने लगेगी जो आपका ध्यान भटकाती है और आपको अपने गोल से बहुत दूर ले जाती है। तो ये सारे टास्क अभी आपको आसान और बहुत ही क्लियर लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपने उन्हें प्रोसेस नहीं किया तो रूम से बाहर जाते ही आप उनके बारे में भूल जाएंगे। इसीलिए अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको कौन सा काम करना है उसके बारे में ठीक से लिखिए। तो आइए कुछ एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आपको अपने लिविंग रूम की सफाई करनी है, तो इस टास्क के लिए आपको लिखना चाहिए, मुझे कारपेट साफ करना है, सोफे से धूल झाड़नी है और टेबल को थोड़ा लेफ्ट में सरका कर वहाँ से भी सफाई करनी है। दूसरा हो सकता है ईमेल लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, मुझे इम्पोर्टेंट ईमेल के जवाब देने हैं, जिसकी मुझे जरूरत नहीं वो सभी चीजें डिलीट करनी है और ईमेल की अलग अलग कैटेगरी भी बनानी है। तीसरा टास्क हो सकता है अलमारी को साफ करना, तो अलमारी की सफाई एक ऐसा काम है जिसे कोई भी करना पसंद नहीं करता, लेकिन जब आप एक क्लियर गोल सेट करते हैं तो वो काम करने के लिए आप सच में मोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मुझे उन कपड़ों को हटाना है जिनकी मुझे जरूरत नहीं है, और हटाने में भी ध्यान रखना है कि उसे अलमारी के अंदर नहीं रखना है, उसे किसी और जगह पर रखना है या किसी को देना है या बाहर आपको फेंकना है, जो भी करना है वो भी जरूर लिखे, क्योंकि वो जो कपड़े होते हैं ना वो इधर से उधर घूमते रहते हैं तो वो दिखने नहीं चाहिए आपको। और अब अगले टास्क की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी करनी है। अगर आपको लगता है कि किसी काम को पूरा करने के लिए एक से ज्यादा स्टेप्स की जरूरत है तो उसे प्रोजेक्ट की कैटेगरी में डाल दीजिए। इसके लिए बाद में और प्लानिंग की जरूरत होगी। एग्जाम्पल के लिए प्रेजेंटेशन की तैयारी करना भी किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से कम नहीं है। प्रेजेंटेशन की प्लानिंग करते टाइम आपको एक टॉपिक चूज करना होगा, फिर उसके बारे में कोई बुक या जर्नल पढ़नी होगी, उसके बाद आपको अपना ड्राफ्ट लिखना होगा और फिर बारी आती है स्लाइड शो तैयार करने की और लास्ट में लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रोसेसिंग में कितनी ज्यादा गहराई है, डिटेलिंग है, ये जाना आपने कि टास्क को सिर्फ टास्क करके नहीं लिखना है, उसको कितना डिटेलिंग में लिखना है, अलग अलग डिवाइड करके लिखना है। ये सब कुछ समझ लेने के बाद अब बारी आती है डूइंग, मेकिंग द बेस्ट एक्शन चॉइसेस, यानी कि अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये आपको अपने अधूरे काम के बारे में चिंता किए बिना शांति से बैठकर काम पर फोकस करने में हेल्प करती है। अधूरे काम हमेशा चिंता और ध्यान भटकाने का कारण बनते हैं और ये तब तक आपको परेशान करते रहेंगे जब तक आपके पास एक ऐसा सिस्टम नहीं होता जहां पर आप उसे पूरा करने के बारे में प्लान नहीं करते। जब आप अपना सारा काम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। इस कैटेगरी में आपके प्रोजेक्ट, कैलेंडर इवेंट, अगले एक्शन की लिस्ट, वेटिंग लिस्ट और समडे लिस्ट, यानी किसी और दिन करने वाली लिस्ट भी शामिल है। आपकी प्रोजेक्ट लिस्ट में वो सारे टास्क शामिल होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए एक से ज्यादा स्टेप्स की जरूरत होती है। आपके कैलेंडर में वो सभी टास्क लिखे जाने चाहिए जिन्हें आपको एक खास तारीख को ही पूरा करना है। आपकी एक्शन लिस्ट में उस काम को लिखा जाएगा जिसके लिए आपको एक्शन लेने की जरूरत है। बाकी सभी लिस्ट के लिए आप एक फोल्डर, प्लानर या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप जो भी इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, आपको बस सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि आपको हर कैटेगरी को एक दूसरे से अलग रखना है,
इसका मतलब है कि आप एक ही टास्क को दो कैटेगरी में नहीं लिख सकते। अगर आपने ऐसा किया तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा और आपको लगेगा कि इस सिस्टम में ही कोई गड़बड़ी है। मतलब बहाने तो हमें मिल ही जाते हैं ना तैयार एक से एक। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों का, अलग फोल्डर आपको क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के लिए हम एक्शन लिस्ट को लेते हैं। इस लिस्ट में वो सारे काम शामिल होने चाहिए जिन्हें एक बार में ही पूरा करने की जरूरत है, जैसे घर के काम, जैसे फोन कॉल करना, कुछ सामान मंगाना, कंप्यूटर पर किए जाने वाले काम, ये सारे काम। तो हर काम को कैटेगरी वाइज बांट कर आप टाइम और मेहनत दोनों को बचाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप उन सभी टास्क को एक फोल्डर में डालते हैं जिनके लिए कंप्यूटर की जरूरत है, तो जब भी आपको कंप्यूटर पर काम करने का टाइम मिले तो आप उस फोल्डर को खोलकर अपना काम तुरंत शुरू कर सकते हैं। आपको अपना सारा काम एक बार में ही मिल जाएगा। इस तरीके से आप कभी भी किसी काम के बारे में भूलेंगे नहीं, और भूलेंगे नहीं तो बहाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। मुद्दा मामला ऐसा ही कि आप काम कर ही लेंगे। तो कैटेगरी बनाने के बाद भी आप टास्क को छोटी छोटी कैटेगरीज, जिन्हें सब कैटेगरी कहा जाता है, उसमें बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अपने कंप्यूटर टास्क के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन टास्क की दो छोटी कैटेगरी बना सकते हैं। इस तरीके से कैटेगरी पर काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और उस टाइम आपके पास इंटरनेट की सुविधा मौजूद नहीं है, तो फ्लाइट में बैठे बैठे आप अपने ऑफलाइन टास्क को पूरा कर सकते हैं। हर चीज को कैटेगरी में बांटने से आपको ऑर्गेनाइज्ड होने में हेल्प मिलेगी। आप कभी भी कोई इम्पोर्टेंट काम भूलेंगे नहीं, तब आप स्ट्रेस महसूस नहीं करेंगे क्योंकि तब आपकी बिजी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। और यहाँ पर बात ऐसी है, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, इसीलिए हमारे जॉब के बारे में ठीक से कुछ कहा नहीं जा सकता। आज भी दिन में 24 घंटे का टाइम ही मिलता है, लेकिन काम का लोड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये टाइम भी ना कम पड़ने लगता है। तो भाई ये तो क्लियर है कि हम टाइम को तो बढ़ा नहीं सकते। हाँ, लेकिन स्मार्टली काम करके कम टाइम में ज्यादा काम पूरा जरूर कर सकते हैं। आजकल जब आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको अपना टारगेट पूरा करना है, लेकिन अक्सर ये समझ ही नहीं आता कि आखिर आपकी जिम्मेदारियां हैं क्या। हर नया दिन पहले दिन से ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। दिन ब दिन हमारे काम की लिस्ट लंबी होती जा रही है और हमारा दिन इसी उलझन में बीत जाता है कि काम को पूरा करें तो कैसे करें। तो यहाँ पर ये समरी इन सभी प्रॉब्लम्स के सलूशन के रूप में सामने आई है। अपनी ऑर्गेनाइजिंग मेथड से इसने कई सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी को चेंज किया है। इस समरी में आपने सीखा कि जिंदगी में नई जिम्मेदारियों का सामना कैसे करें। आपने समझा कि अपनी लाइफ में सब कुछ ऑर्गेनाइज करके आप कम टाइम में अच्छे से फोकस करके ज्यादा काम कर सकते हैं। आपने फिजिकल और मेंटल तरीके से चीजों को इकट्ठा करने के बारे में जाना, और एक बार जब आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम होता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। तब आप बेफिक्र होकर अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने हर चीज को ठीक से मैनेज कर लिया है। इसीलिए चिल करें और अपने हार्ड वर्क से आप जो भी कुछ अचीव करते हैं उसे खुलकर एंजॉय करें। और याद रखें, आपको ज्यादा देर तक काम नहीं करना है, बल्कि स्मार्ट तरीके से कम टाइम में ज्यादा काम करना है। तो इसी बात के साथ ये समरी तो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन हमारी जो बहानों की लिस्ट है सुबह से लेकर रात तक नॉन स्टॉप चलती रहती है। दूसरों को तो छोड़ो, हम अपने आप को बहाने तक दे डालते हैं कि यार उस काम में अटक गई थी ना, इसीलिए तो नहीं किया। अच्छा, कल पक्का, परसों पक्का, और हमारा कल तो कभी आता ही नहीं है। तो ये जो बहानों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, सुबह से शाम जो हम इसको रिपीट मोड पर चलाते रहते हैं और हमारे काम जो इम्पोर्टेंट है उन्हें टालते रहते हैं, फाइनली टाइम आ गया है इन सभी चीजों पर एक्शन लेने का, जो समरी में आपने जाना। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि कौन सा काम आप कंप्लीट करने वाले हैं इस समरी से इंस्पायर होकर के, किस टास्क को कितने लंबे टाइम तक आपने पेंडिंग रखा और फाइनली आज तो लेना ही होगा एक्शन, बताइए मुझे। और इसी के साथ आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी शेयर कीजिए।